हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही प्यारा वाला का प्यारा प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आई जस्ट होप आप लोग को भी पसंद आएगा, और क्योंकि मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा सूट किया है तो इसलिए मैं इसका रिव्यू आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। प्रॉपर पैकेजिंग के साथ मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीके से काम करता है, एंड ए टू जेड सारा कुछ बताऊंगी। कितने का है, कितने क्वांटिटी है, कितने दिन की वैलिडिटी है, एंड आप जब लगाते हो तो कैसे लगाना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। आप लास्ट तक के बने रहिएगा। और ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये है प्रोडक्ट, ये वाला आप देख सकते हैं, इंडस वैली का प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट का नाम है अनियन हेयर ऑयल। अनियन हेयर ऑयल हेयर मतलब हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर आपके काफी ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, अगर आप इसे अच्छे तरीके से लगाते हैं तो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी है 200 ml, एंड इसकी जो प्राइस है गाइस 599 है, लगभग 600 रुपए। तो गाइस, जब हमारा बाल झड़ने लगता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा क्या चीज लगाऊ जिससे कि हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए, रुक जाए। तो रुकता तो नहीं है, लेकिन हाँ एकदम से रुक तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ कंट्रोल हो जाता है इसको लगाने से। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जिनको काफी ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है कई महीनों से, वो एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, ये काफी अच्छा लगेगा और आपके बाल पे भी असर करेगा। मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको लगाना है, कितना लगाना है। ठीक है, तो इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छा है, आई लव दिस पैकेजिंग गाइस, बहुत ही प्यारा वाला पैकेजिंग है। गोल्डन कलर के कार्डबोर्ड में इसकी पैकेजिंग है, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। और देख रहे हो ऊपर से एक थीन सा लेयर प्लास्टिक से इसकी पैकेजिंग किया हुआ है, तो काफी अच्छे तरीके से पैकेजिंग लगा मुझे। मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आपको पर पन्नी मिल जाएंगे, एंड ये इस तरीके से खुला। एंड जब भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं गाइस, कभी भी कोई सा भी प्रोडक्ट आप मार्केट से लीजिएगा, आपको इस टाइप के पैकेजिंग जरूर देखिएगा। अगर इस टाइप के पैकेजिंग नहीं भी है तो आपको यहाँ पे जो लगे हुए रहते हैं ना, ये आपको जरूर देखने हैं। ये जो यहाँ पे एक पतले से आपको स्टिकर दिख रहे हैं, ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज होती है ना ओरिजिनल वाली होती है। ओरिजिनल आपको मार्केट में मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे सामान होते हैं ना जो आपको डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों मिलते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है जब भी आप प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं ऑफलाइन। तो यहां से मैं निकाल रही हूँ, एंड इसमें सारे आपको कैसे आपको इंडस वैली प्रोडक्ट है जो इसको कैसे यूज करने हैं सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके पढ़ के बता देती हूँ। एंड इसमें क्या क्या से मिले हुए हैं, कौन कौन से इंग्रीडियंट मिले हुए हैं वो मैं बता दूंगी। तो इसमें बहुत से ऑयल, बहुत मतलब आलमंड ऑयल है, फिर पोमीग्रेनेट के सीड्स के जो ऑयल होते हैं वो मिले हुए हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे सीड्स के ऑयल मिले हैं जो कि हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, हमारे बालों को डीप नरिश करके, और हमारा जो बाल होते हैं वो अच्छे तरीके से पोषण देता है, जिसमें कि हमारा हेयर ग्रोथ और हेयर कंट्रोल में काफी ज्यादा फायदा करता है। तो ये रहा, एंड ये इसका जो सबसे मेन बात है वो सिलिकॉन फ्री होते हैं ये जो प्रोडक्ट है। एंड इसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन कैसे यूज करना है, मसाज द ऑयल इन द सर्कुलर मोशन इन योर स्कैल्प। आपको अच्छे तरीके से स्कैल्प में सर्कुलर मोशन में मसाज करने हैं, ताकि आपके स्कैल्प में अच्छे तरीके से ऑयल जाए और आपके हेयर कंट्रोल करने में मदद करे। ठीक है, कीप इट ऑन द मिनिमम ऑफ 2 आवर, आप अच्छे तरीके से 2 घंटे के लिए छोड़ दे। अगर फॉर बेटर रिजल्ट ओनली इट ओवरनाइट, अप्लाई इट ओवरनाइट। आपको अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से मेरे पे इफेक्ट दिलाए, तो आप इस कोशिश कीजिएगा कि रात में सोने से पहले आप इसे लगा ले एंड नेक्स्ट डे शैम्पू कर ले। ठीक है, उसके बाद शैम्पू करने के बाद आप कोई सा भी शैम्पू जो यूज करते हैं वो शैम्पू आपको यूज करने हैं, एंड उसके साथ आपको मस्त ये कंडीशनर भी, जो भी आप यूज करते हैं वो कंडीशनर इसको बाद यूज करना है। तो ये तो रहा ऊपर का, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर का बॉटल। तो
तो आप देख सकते हो ये अंदर का बहुत ही प्यारा वाला बॉटम है एंड अंदर में भी आपको इस तरीके से पन्नी मिल रही है। तो आपको देखिए यहाँ इस तरीके से आपको कर देना है। ठीक है, ये हमारा बॉटल है जो कि देखने में काफी अच्छा और प्रीटी सा लग रहा है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप कहीं भी ट्रेवल फ्रेंडली है, आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत ही प्यारा ऊपर में आपको ढक्कन मिलेगा एंड इसमें जिस तरीके से स्प्रे होता है ना, स्प्रे बॉटल, उस तरीके से तो गिरने वरने की कोई चांसेस ही नहीं होती। इसको मैं ऐसे भी करके दिखा रही हूँ, तो इसमें जिस तरीके से स्प्रे होता है ना, उस तरीके से आपको एक पाइप से लगे हुए हैं एंड आपका यहाँ पे आराम से इसकी जो ये है ना, ये काफी ज्यादा मतलब स्मूथ है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, तो निकल जाते हैं तेल, देख सकते हो। सॉरी थोड़ा सा गिर भी गया। इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफी ज्यादा थिन है, ऐसा नहीं कि आप लगाओगे तो काफी ज्यादा चिपचिपा सा लगेगा एंड इसके स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसका स्मेल जब भी मैं बालों में लगाती हूँ ना। लेकिन हाँ, इसके साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इस ऑयल को लगाकर बाहर जाते हो, जिनको भी स्मेल से इरिटेशन होती है तो उनको थोड़ा सा उनसे आपको बचना है। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लगा रहे हो ओवरनाइट, रात में ही लगाओ, क्योंकि आपको किसी को इसके साथ से टच ना हो, जिनको भी एलर्जी इस टाइप की होती है तो उनको से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अदरवाइज ये जो ऑयल है ना, काफी ज्यादा अच्छा है। आई लव दिस स्मेल गाइस, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब भी मैं ये लगाती हूँ ऑयल। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है स्मेल से, मेरे को कोई भी इरिटेशन की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। जो लोग को भी मतलब जिनको ज्यादा स्मेल से प्रॉब्लम है, तो उनको मैं कहूंगी कि आप ओवरनाइट के लिए नहीं तो आप 2-3 घंटे के लिए ही रख सकते हैं अपने बालों में, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आई होप कि आप लोग को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो। और जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है गाइज महीनों दिन पहले से, वो लोग को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा, काफी ज्यादा अच्छा वाला प्रोडक्ट है। सो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो बाय बाय गाइस, और मेरे अभी भी हैंड में ऑयल लगी हुई है। सो आज के लिए इतना ही।